हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम नई उमंग की हिंदी किताब में नया क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम लेसन नंबर 2 हीरा और मोती, ये आज स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे। झूरी के पास दो बैल थी। झूरी एक आदमी का नाम है जिसके पास दो बैल ऑक्स थे। हीरा और मोती, उन दोनों बैलों का नाम, एक का नाम हीरा और एक का नाम मोती था। दोनों में बहुत प्यार था। हीरा मोती एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। झूरी उन दोनों को प्यार करता था और उन दोनों का जो मालिक झूरी था वो उन दोनों से बहुत प्यार करता था। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। जो हीरा मोती थे वो लोग भी झूरी को, अपने मालिक को बहुत प्यार करते थे। झूरी की पत्नी का भाई गया, झूरी की जो पत्नी थी उसके भाई का नाम गया था, एक बार हीरा और मोती को अपने गांव ले गया। और झूरी की पत्नी का जो भाई था वो हीरा और मोती को अपने साथ अपने गांव लेकर चला गया। रास्ते में गया ने उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। झूरी की पत्नी का भाई जो गया था उन्हें अपने साथ हीरा और मोती को गांव लेकर गया और रास्ते में उन्हें खूब मारता पीटता लेकर के उनको गया। और जब उनको अपने गांव लेकर के गया तो उसने उसे रूखा सूखा खाने को दिया, लेकिन हीरा मोती ने उसे सूंघा, मतलब उसे मुंह तक नहीं लगाया। रात होने पर दोनों बैल रस्सियाँ तोड़कर भाग निकले और घर वापस आ गए। सुबह झूरी ने उन्हें देखा तो प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, पर झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भून गई। उसने उसके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वो खुश थे। रात होने पर जब हीरा और मोती रस्सी तोड़कर भाग गए तो अपने पुराने मालिक झूरी के पास पहुंची। झूरी उनको देखकर बहुत खुश हुआ और झूरी उनके पीठ पर हाथ फेरने लगा प्यार से। लेकिन झूरी की पत्नी उन दोनों को देखकर बहुत गुस्सा हुई और उसने गुस्से में रूखा सूखा खाना लाकर रख दिया हीरा मोती के सामने। लेकिन फिर भी वो दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि वो अब झूरी के पास थे, इसलिए उन्हें वो नहीं दिखा कि उनकी पत्नी ने उनको रूखा सूखा खाना दिया है। अगले दिन गया फिर उन्हें ले गया। अगले दूसरे दिन फिर झूरी की पत्नी का भाई जो गया था उन्हें फिर अपने साथ लेकर चला गया। अब गया ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता, जब तब मारता पीटता, शाम को मोटे मोटे रस्सों से बांधकर रूखा सूखा भूसा खाने के लिए दे देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। अब दूसरी बार जब गया उन दोनों को अपने घर लेकर गया तो उसने हीरा और मोती को बहुत परेशान किया। उन्हें दिन दिन भर काम कराता था और उनके सामने रूखा सूखा रोटी खाना रख देता था, और उन्हें जब रात में बांधता था मोटी रस्सियों से उन्हें जकड़ के रख देता था। और वो दोनों हीरा मोती एक दूसरे को बस लाचार, मतलब बेबस, मतलब उनका कोई सहारा नहीं, अब वो क्या करते, दोनों एक दूसरे को बस देखते रहते थे और क्या कर सकते थे, क्योंकि उनके पास कोई भी विकल्प नहीं था, कोई भी रास्ता नहीं था। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी, उसे बैलों पर दया आती थी। गया के घर में जो छोटी बच्ची थी वो उन दोनों बैलों को देखकर उसे बहुत दया आती थी। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती थी। दोनों
बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार अपमान भूल जाते थे। एक दिन लड़की ने दोनों बैलों को खोल दिया, दोनों वहाँ से भाग निकले। गया के घर में जो एक छोटी बच्ची थी वो उन दोनों को बहुत प्यार करती थी और उनके प्यार की वजह से हीरा और मोती दिन भर जो थकान सभी भूल जाते थे। एक दिन गया की वो छोटी सी बच्ची जो थी उसने उन दोनों बैलों को खोल दिया और वो दोनों वहाँ से भाग निकले। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सिंहों से चोट की। सांग घबराया। सांड ने रास्ते में जो उन्हें एक सांड मिला तो उसने क्या किया कि हीरा को धक्का दिया, उसके ऊपर वार किया कि मैं इसे मारूंगा, लेकिन मोती ने फिर उसे पीछे से मारा। जब दोनों साथ मिल गए तब सांड घबरा गया और वहाँ से भाग गया। वह किसी को एक को तो मार कर कचूमर निकाल सकता था पर यहाँ तो दो थे। अगर वो एक हीरा ही रहता तो वो उसे मार कर निकल सकता था सांड, लेकिन यहाँ हीरा और मोती दोनों थे। वो क्या करता, मिलकर काम करने वाले में बल है। दोनों मिलकर सांड को भगा दिए। दोनों ने उस सांड का जमकर मुकाबला किया और उसे भगा दिया। अब दोनों प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में हरी हरी मटर का खेत दिखाई दिया। वे खेत में घुसकर मटर खाने लगे। खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया और पकड़कर काजी हौज में बंद करवा दिया। जब दोनों सांड को भगा दिए तो दोनों बहुत खुश थे और आगे जब वे आगे चले तो उन्हें मटर के खेत दिखाई दिए। हरे भरे मटर थे, वो दोनों तो भूखे भी थे तो उन दोनों ने पेट भर करके वो मटर खाए। पेट भर लिया। उस खेत में जो काम कर रहे थे उन्होंने देखा कि अरे ये तो दोनों भैंस हमारे खेत के मटर सभी खा रहे हैं। उन दोनों ने क्या किया, काजी हौज जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है वहाँ जाकर उन्हें जाकर रखवा दिया। काजी हौज में और भी कई जानवर थे, वहाँ बहुत सारे जानवर थे पहले से भी, गाय भैंस घोड़े घोड़ियाँ गधे बहुत तरह के सभी जानवर थे, लेकिन सभी कमज़ोर थे और दुबले पतले थे। वहाँ किसी के लिए भी चारे का भीबरपन नहीं था। चारे मतलब जो गाय भैंस खाते हैं, जो उनका खाना होता है, वहाँ किसी भी चीज़ का प्रबंध नहीं था कि वो लोग उसे खाते और अच्छे से रहते, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। ना ही पानी की सुविधा थी, ना ही खाने पीने का सुविधा था। रात हुई, हीरा ने मोती से कहा, कि दीवार गिराने में कोशिश की जाए। दो चार चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। जब मोती ने हीरा को कहा चलो इस दीवार को तोड़ो तो दोनों ने तोड़ा और वो दीवार टूट गई। जोर से चोट लगने पर दीवार में रास्ता बन गया। घोड़ियाँ भैंसे बकरियाँ भाग निकली और जितने भी उस काजी हौज में बंद थे जानवर सभी वहाँ से भाग निकले। मोती ने गधों को सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा को भी भाग चलने को कहा पर हीरा ने मना कर दिया। मोती मन मार कर रह गया। मोती ने हीरा को बोला चलो सभी तो भाग चुके हैं, अब हम लोग भी भागें, लेकिन उसने मना कर दिया। सुबह होने पर काजी हौज वालों ने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला गया। मार खाते खाते भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमज़ोर हो गए थे। भूख प्यास से व्याकुल दोनों बैलों ने कुछ भी दम नहीं बाकी रह गया था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। जब उन्हें रास्ता जाना पहचाना लगा वो तेज़ी से भागे। व्यापारी ने उन्हें पकड़ ना सका, वे अपने घर पहुँच गए। बैलों को देखकर झूरी बहुत खुश हुआ। वह उससे लिपट गया। इतने में ही व्यापारी आ पहुंचा। झूरी ने कहा मोती को मांगने लगा। मोती
ने आव देखा ना ताव व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर भागा। तभी जूरी की पत्नी भीतर से दौड़ी आई, उसने दोनों बैलों के माथों पर चूमा। अब सुबह जब काजी हौज में सभी जानवर भाग गए थे, सिर्फ हीरा और मोती बचे हुए थे। हीरा और मोती को उन्होंने नीलाम कर दिया, मतलब बेच दिया दूसरे व्यापारी को, दूसरे कस्टमर को। जब उसने दूसरे व्यापारी को बेच दिया तो वो व्यापारी वो दोनों को लेकर के अपने गांव जा रहा था। अब वो दोनों हीरा और मोती इतने कमज़ोर थे कि वो चुपचाप उस व्यापारी के साथ चल रहे थे। दोनों बहुत भूखे थे, प्यासे थे, कमज़ोर थे, वो दोनों तो कुछ सोच नहीं पा रहे थे। जब व्यापारी उन्हें रास्ते में ले के जा रहा था, हीरा और मोती को लगा कि अरे इस रास्ते पे तो हम आ चुके हैं, ये तो हमारे झूरी मालिक का रास्ता लग रहा है। वो क्या किए, उस रास्ते पर ही दौड़ के अपने मालिक के पास चले गए। झूरी जो उन्हें बहुत प्यार करता था, उनको देख कर वो गले लगा लिया। और वह व्यापारी जब दौड़ते हुए उस झूरी के घर आया तो किसने उसे मारा, मोती ने आओ देखा ना ताओ वो व्यापारी के ऊपर झपटा मार दिया। व्यापारी घबरा गया और वहाँ से भाग गया। फिर झूरी ने दोनों को बहुत प्यार किया, उसकी पत्नी आई और दोनों को भी माथे पर चूम ली। जो हमें प्यार करते हैं वो हमें अच्छे लगते हैं और हम उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, हमें उनके साथ रहना है, वो हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकते हैं।